नमस्ते, वेलकम टू एटीएस टेक इन्फो। एटीएस टेक इन्फो चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम देखेंगे ए टू जेड फुल फॉर्म में जो नेक्स्ट 200 से नेक्स्ट क्या क्या आता है, ये फुल फॉर्म सभी देखेंगे। इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए और हमारे चैनल में आप अगर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल एटीएस टेक इन्फो एंड ऑल्सो लाइक एंड शेयर द वीडियो। अभी हम देखेंगे फुल फॉर्म्स क्या क्या आता है नेक्स्ट में। पहले वीडियो में भी हमने बताए थे 100 तक बताए थे, उसके बाद सेकंड वीडियो में 200 तक बताए थे। इस वीडियो में हम देखेंगे नेक्स्ट क्या आता है। SRAM स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, उसके बाद SVGA SVGA का मतलब है सुपर वीडियो ग्राफिक्स अरे, उसके बाद SAN का मतलब है स्टोरेज एरिया नेटवर्क, उसके बाद SATA सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट, उसके बाद SAP सिस्टम एप्लीकेशन एंड प्रोडक्ट्स, उसके बाद SEC सिंगल एज कनेक्टर, उसके बाद SFC का मतलब है सिस्टम फाइल चेकर, उसके बाद SGRAM तो आप तो जानते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी, SG का मतलब है सिंक्रोनस ग्राफिक्स, उसके बाद रैंडम एक्सेस मेमोरी। SIMM सिंगल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल, उसके बाद SMB का मतलब है सर्वर मैसेज ब्लॉक, उसके बाद SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, उसके बाद SNMP सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, SP का मतलब है सर्विस पैक, SPX क्या है, SPX का मतलब है सीक्वेंस पैकेज एक्सचेंज, STP शेड्यूल ट्विस्टेड पेयर केबल पेयर, और उसके बाद अगर सी होता तो केबल, उसके बाद SVGA का मतलब है सुपर वीडियो ग्राफिक्स अरे, उसके बाद SMPS का मतलब है स्विच मोड पावर सप्लाई, SXGA सुपर एक्सटेंडेड ग्राफिक्स अरे, उसके बाद SMS जो हम भेजते हैं मोबाइल में वो है शॉर्ट मैसेज सर्विस, TB का मतलब है टेराबाइट, TBPS टेराबाइट पर सेकेंड, उसके बाद TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, उसके बाद TFT थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, उसके बाद TCP/IP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल, उसके बाद TDR टाइम डोमेन रिफ्लेक्टोमीटर, उसके बाद TFTP ट्रिवियल फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, उसके बाद USB का मतलब है यूनिवर्सल सीरियल बॉक्स, हम जो पेन ड्राइव लगाते हैं उसमें USB पोर्ट होता है यूनिवर्सल सीरियल बॉक्स, उसके बाद UTP अनसील्ड ट्विस्टेड पेयर, ये एक टाइप का केबल होता है सील्ड ट्विस्टेड पेयर केबल अनसील्ड ट्विस्टेड पेयर, उसके बाद ULSI अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, उसके बाद UNIVAC यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, उसके बाद UPS अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई और अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई, उसके बाद URL मतलब यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर, UDF
UTF का मतलब है यूनिवर्सल डिस्क फॉर्मेट, और यूनिवर्सल डिस्क फॉर्मेट और डाटा फॉर्मेट भी कहते हैं। उसके बाद UDMA, अल्ट्रा डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। उसके बाद UDP, यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल। उसके बाद UPS, ये भी अभी हमने कहा है, अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई भी होता है। उसके बाद URL, URL का मतलब है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। उसके बाद यूटीपी अभी कहा है ऑन शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल। उसके बाद VCD, वीडियो CD, CD का मतलब है कॉम्पैक्ट डिस्क। उसके बाद VPN, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। उसके बाद VDU, वीडियो का मतलब है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। उसके बाद VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। उसके बाद क्या आता है देखेंगे, वीडियो, अभी तो वीडियो। उसके बाद VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। उसके बाद BSNL, विदेश संचार निगम लिमिटेड। उसके बाद PESA, वीडियो इलेक्ट्रॉनिक्स स्टैंडर्ड एसोसिएशन। उसके बाद VFAT, वर्चुअल फाइल एलोकेशन टेबल। VGA, वीडियो ग्राफिक्स एरे। VOIP, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। उसके बाद VRAM, वीडियो रैंडम एक्सेस मेमोरी। 1WAN, वाइड एरिया नेटवर्क। उसके बाद वन के बाद WORM, WORM मतलब राइट वंस रीड मेनी। उसके बाद WWW, वर्ल्ड वाइड वेब। आप तो जानते हैं WWW वेबसाइट में लिखा जाता है। उसके बाद WAP, वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल। WEP, वेड इक्विपमेंट इक्विवेलेंट प्राइवेसी। उसके बाद वाईफाई का मतलब है वायरलेस फिडेलिटी। उसके बाद WINS, विंडोज इंटरनेट नेम सर्विस। उसके बाद आता है WLAN, वायरलेस लैन लोकल एरिया नेटवर्क। WPA, वायरलेस प्रोटेक्टेड एक्सेस। उसके बाद XGA, एक्सटेंडेड ग्राफिक्स एरे। XMS क्या होता है, एक्सटेंडेड मेमोरी स्पेसिफिकेशन। ZIP, जिगजैग इनलाइन पैकेज। ये था हमारा कुछ कलेक्शन, फुल फॉर्म्स का A to Z कलेक्शन। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल ATS Tech Info एंड ऑल्सो लाइक एंड शेयर द वीडियो टू योर नियर एंड डियर। थैंक यू।